उत्सुक होगी ना तुम सब जानने के लिए। सच बताऊं तो मैं भी उतनी उत्सुक हूं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। उस रात जब तुम हमारे पीछे भागी थी हमें मारने के लिए, हम उसी दिन समझ गए थे कि तुमसे जीतना हमारे लिए मुश्किल होगा। उस एक दिन हार मान ली थी हम सब ने। उसके बाद हम मां माता के पास गए। बस इतनी ही तमन्ना है तुम्हारी अपनी बहन की मौत का बदला लेने से? हाँ मां माता, यही हमारे जीवन का मकसद है। हाँ लेकिन इस वक्त सितारा हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। माँ, हम सितारा से नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हम जीत पाएंगे। माँ हमारी मदद कीजिए। मां माता, हम दीदी की जान का बदला चाहते हैं, उनकी जान की कीमत लेना चाहते हैं उनसे। ठीक है, मैं करूंगी तुम्हारी मदद, पर उसके लिए तुम सबको मरना होगा। और तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम सबको फिर से जिंदा कर दूंगी। तो फिर हमें मरना क्यों होगा? क्योंकि इंसान ये जानता है कि एक विष कन्या सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से मर सकती है और लौट कर वापस नहीं आती। हमारे मरने के बाद राजवंशी भूल जाएंगे कि हमारा कभी भी कोई अस्तित्व था। और उसके बाद तुम सब लोग एक नई पहचान के साथ राजमहल में प्रवेश कर सकते हो। शुक्रिया मां माता, आपने आज हमारा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है। हम चारों आज आपके सामने अपनी जान देने के लिए तैयार है मां। मुझे एक बात का हमेशा बड़ा दुख था कि तू छोटी थी बड़ी हो गई, लेकिन मैं तेरे साथ कोई खेल नहीं खेल पाई। तो मैं क्या सोचती हूँ कि समय बीत गया लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं और तुम एक खेल खेलें। आओ आओ इधर, मैं बताती हूँ तुम्हें। आओ आओ, आज बैठ मेरे पास। तो खेल ये है कि 3 दिन बाद महाशिवरात्रि है। अगर इन अगले 3 दिनों में तुम पहचान जाती हो कि हमारा मकसद क्या है, तो तुम्हारे सर की कसम से तारा, बिना किसी तरह का तमाशा किए, बिना किसी को कोई दिक्कत दिए, हम चारों यहां से चली जाएंगी। अगर तुम ये पता नहीं कर पाए कि हम यहां क्यों हैं, तो ये मेरा तुमसे वादा है सितारा, 3 दिन बाद ऐसा तांडव मचाएंगे हम कि जिस राज परिवार को बचाने के पीछे तुमने मुझे छोड़ा था ना, उस राज परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। इसलिए 3 दिन है सितारा, जो करना है कर लो। पता कर सकती हो तो पता कर लो हमारा मकसद और बचा लो अपने राज परिवार को। ओहो, कम ऑन सितारा, ऐसा मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ कर दो सितारा, आई मीन हाँ कर दो, कहीं तुम
फिर पछताओ ना बाद में। अच्छा मौका है। ठीक है, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। तीन दिन में मैं आपका मकसद जान के रहूंगी। देवी माँ मेरे साथ है और वो मुझे कभी हारने नहीं देगी। अरे दीदी, आप भी ना इतनी छोटी सी जान पर इतना बड़ा दबाव डाल रही हैं। कैसे कर पाएगी ये बेचारी इतना बड़ा काम, वो भी बिना किसी सुराग के। छोटा सा सुराग तो बनता है ना। थोड़ी सी मदद, अब सितारा भले हम सबको अपनी मासी माने ना माने, लेकिन हम तो सितारा को अपनी बेटी मानते हैं ना। चलो एक सुराग मैं तुम्हें देती हूं। यह है पहला सुराग। हम मासियों की तरफ से तुम्हें एक छोटा सा तोहफा। अब आएगा मजा इस मां बेटी के खेल में। क्या मतलब है इस सिक्के का? इसमें कैसे कोई सुराग छुपा होगा? कॉइन जी, आपकी वजह से सितारा यहां तक आ गई। उन्होंने तो कब से मुंह फेर कर बैठी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वैसे ये कॉइन मिला कहां से तुम्हें? कुछ वियर्ड नहीं है? वो बाबा ने दिया मुझे महाशिवरात्रि की पूजा के लिए। ओ। पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ये मैं पूछना भूल गई। और वो बताना, और अभी राजगुरु भी नहीं है कि मैं उनसे पूछ लूं। इस सिक्के को इस्तेमाल करने की विधि इसी के अंदर है, जो मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अब मदद मांगी है तो करनी पड़ेगी। आओ। तो कोई मैसेज नहीं है इस कॉइन में, कुछ खास नहीं है। कोरसा, आपको विश्वकन्या शब्द याद है? कोर्स, क्या याद है आपको? यही कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा थी और हमारे काफी क्लोज थी, और मुझे वो सीक्रेट भी मालूम है। कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम एक विश्वकन्या हो। आपको याद है? Oh God. Okay, I'm sorry. ये मैं मजाक कर रहा था। तुम कौन से जमाने में जी रहे? तुम और विश्वकन्या। हाँ, अगर तुम विश्वकन्या हो ना तो मैं फिर शेषनाग हूँ।
विश्वनाथ। एक काम करते हैं, गार्डन में चलते हैं और वो पुरानी फिल्म की तरह ना वहां पे जाके डांस करते हैं। हाँ, विश्वकन्या और विश्वनाथ। विराज, आपसे एक काम था। जी। हम अपने मेहमानों के लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महारानी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर सारी तैयारी आप करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है महाराज, मैं सब संभाल लूंगी। गुड, थैंक यू सो मच। चलिए हम चलते हैं। अच्छा मौका मिला है मुझे उन चारों के आसपास रहने का। उनके करीब रहकर उनके थोड़े इरादे समझ तो आएंगे। अर्जुन। हाँ? मुझे तो लगता है आजकल ना आप मुझ पर जरा भी ध्यान ही नहीं देते। अच्छा। आपकी लापरवाही की वजह से देखिए मेरा क्या हाल हो रखा है और मेरी स्किन कितनी डल हो गई है। मुझे तो लगता है कहीं मेरी उम्र ना दिखने लग जाए। अच्छा जी। ऑफ कोर्स यामिनी जी, आई मीन औरतें तो मर्दों से पहले ही बूढ़ी हो जाती है ना। व्हाट? और नहीं तो क्या, आई मीन आप अर्जुन जी को देख लीजिए। अब इन्हें देख के कौन बोल सकता है कि ये इतने यंग, हैंडसम, डैशिंग, ये सम्राट के फादर हो सकते हैं? नो। हमें ना देर हो रही है, हम चलते हैं। यामिनी। ऑफ कोर्स। खमा घड़ी राजा हो को। घड़ी खमा। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हो? आइए पता नहीं। That project will be completed soon, David. उसके बाद नए बजट डिस्कस करते हैं, ओके? ओके। आइए वृंदा जी, आइए। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मैं आज की पार्टी के चीफ गेस्ट से आपको मिलवाना चाहूंगा। वृंदा, सुरीली, छबीली और अल्बेली। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अब इस पार्टी की शुरुआत हम ही करते हैं। सितारा कहाँ जा रही है?
अरे हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि आज चंद्र ग्रहण है। कहाँ गया मेरा सिक्का? सुराग दिया उन्होंने। ये सन का डिजाइन क्यों बना हुआ है? आई मीन सिक्के पे सूरज का क्या काम? शायद मुझे इसका मतलब पता है। लेकिन पूजा की विधि में इसका क्या काम हो सकता है? विराज, पार्टी तो अंदर चल रही है ना, आप यहां क्या कर रहे हैं? चलिए चाचू, आप चलिए, हम आते हैं, कुछ काम है। सारे काम बाद में, अभी के लिए लेट्स एंजॉय द पार्टी। क्या कहीं सूरज से अपनी शक्ति बढ़ाकर राजमहल पे हमला तो नहीं करने वाली है विश्वकन्या? पर सूर्यदेव इनकी मदद क्यों करेंगे? वाह सितारा, तुम तो बड़ी समझदार निकली। इतने कम समय में पहेली का पहला हिस्सा ढूंढ भी लिया तुमने। सूरज से आपकी पहेली का क्या लेना देना, बताइए। मेरी प्यारी सितारा, अगर इतनी जल्दी इतना कुछ बता दिया तो खेल का मजा कैसे आएगा? बस तुम इतना समझ लो कि ये हमारी पहेली का पहला अक्षर है। अब वाक्य पूरा करो और अपना जवाब ढूंढ लो। सूरज अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सन। इन्हें जोड़ो और अर्थ निकालो। अगर तुम अपने पहले प्यार को और राज परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि क्या है ना, जो एक चीज तुम्हारे पास नहीं है वो है समय। मैं कैसे मान लूं कि आप अपना वादा नहीं तोड़ोगी? हम इंसान नहीं है जो अपना वादा तोड़े। हम विश्वकन्याएं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती हैं। शिवरात्रि की संध्या से पहले हमारा मकसद ढूंढ लो, और कसम है अपना बदला भूलकर चुपचाप यहां से चले जाएंगे। लेकिन समय की सुइयां चल पड़ी हैं सितारा, अपना दिमाग जल्दी चलाओ। मुझे जल्द से जल्द ये पहेली पूरी करनी होगी।